बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे, और आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिकंदर मिर्ज़ा के टेन्योर को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। हुआ क्या कि 1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुसखत हुए, तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फौजी मुदाखलत जो थी वो पूरी उरूज पर थी। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा जो थे, जो एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे, गवर्नर जनरल बन गए। यूँ अमली तौर पर हुकूमत जो थी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई। सिकंदर मिर्ज़ा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को इक्तदार में शरीक कर लेंगे तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड करती चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो मीर जाफर के परपोते थे। यानी मीर जाफर वही थे जिन्होंने बंगाल में अंग्रेजों के साथ गठजोड़ कर ली थी और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। सिकंदर मिर्ज़ा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक जगह साई का दौर था। वो ऐसे के सिकंदर मिर्ज़ा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवा दिए। वज़ारत उस्मा की जो कुर्सी थी वो एक मजाक बनकर रह चुकी थी। कि इस पर भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदलते हैं। सो सिकंदर मिर्ज़ा का जो पहला शिकार था वो वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्हें हटा कर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मगर इसे भी 1 साल बाद यानी कि 1956 में फारिग कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली की जगह हुसैन शहीद सोहरावर्दी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इसे भी इख्तियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोहरावर्दी की जगह आई चंद्रेकर पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सिर्फ 2 माह बाद इन्हें भी अहदे से हटा दिया गया और इनकी जगह मलिक फिरोज खानून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने। और ये मलिक फिरोज खानून जो थे ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, गवर्नर जनरल आए, इनमें कायद आज़म को छोड़कर बाकी सब का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान से था, और या वो महाजर थे। जिन वज़ीर आज़म को सिकंदर मिर्ज़ा अपनी एडवेंचर के लिए आए रोज़ फारिग कर रहे थे, इनमें से जो चौधरी मोहम्मद अली थे उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान को 1956 का आइन दी, यानी कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल कर दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल से पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए, और पाकिस्तान इसी आइन के तहत बरतानवी तसल्लुत से पूरी तरह आज़ाद होकर एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। इधर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उधर मुल्क में इलेक्शन का माहौल पैदा हो गया। ये बात पाकिस्तान के लिए एक खुशी का बाइस थी, लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान के लिए ये बड़े दुख की बात थी। सो सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान दोनों ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इक्तदार के मज़े कभी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अयूब खान जो थे वो रिटायर्ड होने वाले थे और सिकंदर मिर्ज़ा नई असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के काबिल नहीं थे। इसलिए सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहले आइन को एब्रोगेट किया और मुल्क में फर्स्ट मार्शल लॉ नाफिज किया गया। सिकंदर मिर्ज़ा एक बावर्दी फौजी तो नहीं थे, इसलिए हिस्ट्री को का ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला जो मार्शल लॉ था वो फौज ने नहीं लगाया था, बल्कि बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया था। मतलब ये कि जो फर्स्ट मार्शल लॉ थी वो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाई हुई थी।
अयूब खान जो थे वो मार्शल ला लगने के बाद पाकिस्तान के चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर हुए। जनरल अयूब खान ने जब ये देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा का इक्तदार तो इन्हीं के सहारे कायम है, तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को बेदखल करके जिला वतन कर दिया। शुजा नवाज ने अपने बुक क्रॉसवर्ड में लिखा है कि जनरल अयूब खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले सिकंदर मिर्ज़ा थे। यही वजह थी कि सिकंदर मिर्ज़ा समझते थे कि अयूब खान इनके एहसान तले दबे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ताकत की जंग में इखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता। सिकंदर मिर्ज़ा की बदकिस्मती देखें कि कभी वो पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर देते थे, और फिर यूं हुआ कि जलावतनी के बाद उन्हें अपने वतन की मिट्टी भी नसीब ना हुई। सिकंदर मिर्ज़ा 1969 में लंदन में वफात पाए और ईरान के कैपिटल तेहरान में दफन हुए। अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्ज़ा का नहीं बल्कि जनरल अयूब खान का दौर शुरू हो चुका था। So this was all about the tenure of Sikandar Mirza. Hope you guys understand this, and if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Love it.